Hello all of you. Today we will going to start chapter 2 NCERT class 5th English. ये chapter आपकी मेरी गोल्ड बुक से है, ठीक है. Name of this chapter टीम वर्क, ठीक है. आपके chapter का क्या नाम है? टीम वर्क. ये आपका first part है. आपको जैसे पता है कि आपके सारे chapter में एक poem और एक story होती है, तो अभी हम आज poem को देखेंगे, ठीक है. Do you like to work and play विद अदर? क्या आपको पसंद है वर्क करना और खेलना दूसरों के साथ? ठीक है, लाइक मतलब पसंद होना, वर्क मतलब काम को बोलते हैं, प्ले मतलब खेलना और अदर मतलब दूसरों के साथ, विद मतलब साथ में, ठीक है. क्या आपको काम करना और वर्क करना पसंद है दूसरों के साथ में? नेम ऑफ दिस पोयम लेट्स सिंग एंड डांस. चलिए आप गा के रैमिंग में और एक्टिंग करके एक्शन के साथ आप इस पोयम को पढ़ सकते हैं, ठीक है. आप इसे लर्न कर सकते हैं. टीम वर्क, टीम वर्क, टीम का मतलब क्या होता है? ग्रुप में काम करना, ठीक है. जैसे आप लोग ग्रुप में खेलते हैं उसी तरह से, ठीक है. तो टीम वर्क, टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क. हम साथ में काम करके हम अपने काम को या अपने गेम को कैसा बना सकते हैं? ड्रीम वर्क बना सकते हैं, अपने सपनों का वर्क बना सकते हैं, ठीक है. तो जैसे आप अगर सब मिलके बच्चे खेलते हो तो आपको अच्छा लगता है ना खेलने में, और जैसे आप साथ में मिलकर कोई काम करते हो, ड्राइंग करते हो या कुछ भी बनाते हो, तो आप अच्छा बना लेते हो. इसलिए जब साथ मिलकर काम करते हैं तो वर्क अच्छा होता है, ठीक है. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वॉट वी हैव डन. और हम साथ में मिलकर काम को शेयर करते हैं. शेयर मतलब बांट के करते हैं, खेल 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 के करते हैं. जॉयफुल मतलब खुशी खुशी करते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है. तो टीम वर्क एवरी वन, और सभी के लिए वो टीम वर्क हो जाता है. जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सबके लिए टीम वर्क बन जाता है, ठीक है. इट्स फन, और ऐसा करने में, साथ में काम करने में बहुत मजा आता है, ठीक है. तो इट्स फन टू शूट द बास्केट बॉल थ्रू द हूप. जैसे कि बास्केट बॉल, आप जानते हो ना, बास्केट बॉल खेलते हो तो उसे आपको कहाँ पे शूट करना होता है? हूप के अंदर, ठीक है. शूट का मतलब तो पहले से गोली मारना भी होता है, लेकिन यहाँ शूट का मतलब क्या है? बास्केट बॉल को हूप में डालना, ठीक है. अब हूप क्या होता है आप चलिए पिक्चर में देखिए. हूप क्या होता है? ये देखो, ये सब बच्चे हैं ना, वो टीम में खेल रहे हैं, सब मिलकर खेल रहे हैं. क्या खेल रहे हैं? ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं ना, बास्केटबॉल खेल रहे हैं. बच्चे ने देखो बॉल ले रखी है, ठीक है. अब ये बच्चा बॉल को कहाँ में डालने की कोशिश कर रहा है? हूप में डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. तो शूट करने की मतलब इस बॉल को वो ये हूप है, ये क्या चीज है? ये हूप है, ठीक है. इस हूप में बॉल डालने को कहेंगे शूट करना. तो आप ध्यान रखना, ये जो हूप हो है इसमें बॉल को डालने को क्या बोलेंगे? शूट करना, ठीक है. और ये सारे बच्चे मिलके खेल रहे हैं, इसका मतलब ये टीम में खेल रहे हैं, ठीक है. ये सारे बच्चे हैं, जब ये सब मिलके खेलेंगे तो क्या बन जाएगी? एक टीम बन जाएगी, ठीक है. और खेलने में बहुत मजा आएगा. बट इफ नोबडी पास देन नोबडी शूट्स. और अगर कोई भी बच्चा पास नहीं करेगा, पास मतलब पहुंचाना, एक एक बच्चा दूसरे बच्चे को बॉल नहीं देगा तो क्या होगा? तो कोई भी उसे शूट नहीं कर पाएगा, कोई भी हूप में बॉल को नहीं डाल पाएगा. नोबडी मतलब कोई नहीं, बट मतलब लेकिन, ठीक है. इफ मतलब यदि, पास मतलब पहुंचाना. अगर आप बॉल एक दूसरे के पास नहीं पहुंचाओगे तो फिर कोई भी शूट नहीं कर पाएगा, उसे हूप में कोई नहीं डाल पाएगा. एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन. और इसी तरह से रिले रेस भी एक तरह का गेम होता है, ठीक है. जो रिले रेस है वो भी क्या है? गेम है. तो इस अगर आप नहीं करेंगे तो रिले रेस भी आप नहीं खेल पाएंगे. तो रिले रेस में भी ऐसे ही करना होता है कि हमें एक दूसरे के पास पास करना होता है. रिले रेस में क्या पास करना होता है? इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन. हमें रिले रेस में बैटन को पास करना होता है, ठीक है. बैटन एक तरह की छड़ी होती है. चलिए बैटन को देख लेते हैं. बैटन क्या होता है? ये देखो बच्चे है ना, इस बच्चे ने जो ये पकड़ रखा है ना, ये इसको बोलते हैं बैटन, ठीक है. ये दौड़ के खेल रहे हैं, एक दूसरे को बैटन पास करेंगे. और अगर ये बच्चे पास नहीं करेंगे बैटन तो क्या होगा? तो फिर ये इस गेम को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. तो हमें बैटन को पास करना होता है इस गेम में. तो रिले रेस में, रिले रेस खेलने के लिए क्या करना होगा? बैटन को पास करना होगा. पास मतलब एक दूसरे को देना, ठीक है.
और अगर इफ मतलब यदि नोबडी अगर कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं, वांट टू पास अगर कोई पास नहीं करेगा बैटन को तो ये गेम भी नहीं खेल पाएंगे, ठीक है, कांट गो ऑन, फिर ये आगे नहीं चल पाएगा। वी आर द पार्ट दैट मेक अप द होल, ठीक है, हम सभी से वैसे तो एक एक पार्ट है, पार्ट मतलब एक एक बच्चे आप क्या होते हैं, एक एक हिस्सा है, लेकिन जब वो साथ में मिलकर खेलते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो होल बन जाते हैं। होल का मतलब पूरा, ठीक है, होल का मतलब क्या है, पूरा। तो अगर 1 2 3 सारे बच्चे मिलकर खेलेंगे तो फिर वो क्या बन जाएंगे, होल मतलब पूरे, वो उनकी एक टीम बन जाएगी, ठीक है। तो होल का मतलब ध्यान रखना पूरा होगा यहाँ पे, पार्ट मतलब हिस्सा, वी आर पार्ट, हम सब हिस्सा हैं, हम सब पार्ट हैं, दैट मेकअप, सभी मिलकर क्या बन जाते हैं, मेकअप मतलब बन जाते हैं, मिलकर होल, पूरे हो जाते हैं सब मिलकर, ठीक है। एंड वी हैव गॉट अवर आईज ऑन अ कॉमन गोल, और हमारी जो आंखें हैं वो एक कॉमन गोल पर रहती हैं। जैसे आप जब आप टीम में खेलते हैं और जब आप जीत जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, हम जीत गए या हमारी टीम जीत गई, ठीक है। कॉमन गोल का मतलब होता है समान गोल, ठीक है, समान उद्देश्य। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, तो आप जीत जाते हो तो आप अकेले थोड़ी जीतते हो, पूरी टीम जीत जाती है ना आपकी, तो आप क्या बोलते हो कि हम जीत गए, ठीक है। आइस मतलब नजर रखना, एंड वी हैव गॉट अवर आइस मतलब हम अपनी नजर रखते हैं किस पर, एक कॉमन गोल पर, ठीक है, एक समान उद्देश्य पर। समटाइम्स कभी कभी इट कैन बी अ बिग प्लस, और कभी कभी क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदे का काम होता है, ठीक है। समटाइम्स मतलब कभी कभी, इट कैन बी हो सकता है, बिग मतलब बड़ा, प्लस मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ क्या मतलब है इसका प्लस का, कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कभी कभी, ठीक है। When are you or me become an us, और कभी कभी क्या होता है, तुम और मैं, यू मतलब तुम, मी मतलब मैं, हम दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, अस मतलब हम बन जाते हैं। जब आप लोग अकेले अकेले हो, जो मिलके खेलते हो, टीम में खेलते हो, तो क्या बन जाते हो, देखो ये बच्चा इंडिविजुअल, ये ए का नंबर है, एम है, इसका टू है, इसकी जर्सी का नंबर 3 है। अब ये जब सब, ये तो इंडिविजुअल है एक एक, लेकिन जब ये मिलकर खेलेंगे तो ये मैं थोड़ी रहेंगे, ठीक है, न तुम रहेंगे, ये क्या बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तुम और मैं मिलकर क्या बन जाएंगे, हम बन जाएंगे जब हम एक टीम में खेलेंगे, ठीक है। तो ये पोयम आपकी थी जो आपको जरूर बहुत अच्छी लगी होगी। नाउ लेट्स सी द हार्ड वर्ड, देखते हैं हमने क्या क्या सीखे हैं, न्यू वर्ड, टीम वर्ड, ठीक है। टीम वर्ड का मतलब क्या था, कंबाइंड एफर्ट ऑफ एन ग्रुप, एक ग्रुप में मिलकर जो हम कंबाइंड मतलब जो मिलकर जो काम करते हैं, जो प्रयास हम मिलकर करते हैं, उसे कहते हैं टीम वर्क, ठीक है। होप, होप मैंने आपको बताया था, हेयर वुडन या आयरन रिंग, एक रिंग थी ना ऊपर ऐसी, ये बनी हुई थी ना रिंग, ऐसे करके रिंग जिसमें कि आपको बॉल डालनी थी, है ना, ये रिंग बना है ना, ये इस रिंग में आपको क्या करना था, बॉल डालनी थी, तो ये क्या थी, हुप। तो क्या हुआ, वुडन या तो लकड़ी की या फिर आयरन मतलब लोहे की एक रिंग जो होती है, ट्रंडल्ड अलोन बाय चाइल्ड, जिसमें कि बच्चों को खेलते हैं, जिसमें बच्चे खेलते हैं, जिससे जिसमें बॉल डालनी होती है ना। पासिस मतलब मूव ऑनवर्ड, आगे की तरफ मूव करना, ठीक है। मूव ऑनवर्ड का मतलब आगे पहुंचाना, आगे देना, आगे की तरफ मूव करना। रिले रेस, रिले रेस का क्या मतलब था, रेस बिटवीन टीम, एक टीम के साथ खेलना, दौड़ना, दौड़ के खेलना, रेस का मतलब दौड़ना होता है, ठीक है, टीम में खेलना। ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, और सभी जो भी बच्चे हैं, इंडिविजुअल हैं, वो डिस्टेंस मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में वो दौड़ रहे हैं, वो रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिले रेस एक गेम है जिसमें बैटन लेकर बच्चे दौड़ रहे थे ना, एक दूसरे के पास बैटन को पास करना था। बैटन का क्या मतलब है, शॉर्ट ट्यूब, एक छोटा ट्यूब हो सकता है या फिर स्टिक हो सकती है, कोई छड़ी हो सकती है। कैरेट द रिले रेस, जो कि रिले रेस में लेकर हमें दौड़नी होती है, ठीक है। तो ये आपके हार्ड वर्ड थे, इन्हें आप नोट डाउन करके इनको लर्न कर लेना, और सारे जितने भी आपके न्यू वर्ड होते हैं ना, उन्हें आप साथ साथ बेटा लर्न करोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी, और आपको आगे की क्लासेस में, आगे के चैप्टर्स में
कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, अब क्या है आपके क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इफ नोबडी पासेस द बॉल इन द बास्केट गेम, अगर कोई भी बच्चा पास नहीं करेगा, मतलब आगे नहीं करेगा, मूव ऑनवर्ड नहीं करेगा बॉल को, तो गेम कैसे आगे बढ़ेगा, देन यू कांट शूट, तो कोई भी बच्चा शूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर बॉल नहीं दोगे तो शूट नहीं होगी, शूट डाल बताया था ना मैंने, हुक में बॉल को डालना, ठीक है, शूट करना कहलाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सेकेंड, इन अ रिले रेस, जो रिले रेस में इफ नो वन पासिस द बैटन, अगर रिले रेस में कोई भी बैटन को पास नहीं करेगा, छड़ी को पास नहीं करेगा, देन द रिले रेस कांट गो ऑन, तो फिर रिले रेस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। ठीक है, ये मैंने रेड से आप लिखे हुए, इनको आप नोट डाउन कर लेना, इनको कंप्लीट कर लेना अपनी बुक में। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द टीम मेंबर, टीम मेंबर के आपको नाम बताने हैं, नीडेड फॉर द फॉलोइंग, जिनको की जिनकी जरूरत होगी, ये कुछ सेंटेंस दिए हैं उनके उनके लिए, कुछ क्वेश्चन है उनके लिए। जैसे फर्स्ट आपके लिए डन किया गया है, टू प्ले क्रिकेट वी नीड, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें किस चीज की किसकी सी जरूरत होगी, जैसे अगर क्रिकेट को खेलने के लिए आपको एक बैट्समैन चाहिए होगा, बॉलर चाहिए होगा, फील्डिंग करने के लिए आपको एक फील्डर्स चाहिए होगा और एक कोच चाहिए होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको पिक्चर मूवी बनानी है, फिल्म बनानी है, टू मेक अ फिल्म, अगर एक फिल्म बनानी है तो वी नीड, हमें किस चीज की जरूरत होगी, किस किस की जरूरत होगी, एक डायरेक्टर चाहिए, एक एक्टर और व्यूअर्स। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत होगी। टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, अगर हम एक स्कूल को अच्छे से रन करना चाहते हैं, रन करना मतलब चलाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमें एक स्कूल अच्छे से चलाना है तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल सर भी चाहिए होंगे, तो प्रिंसिपल सर की, टीचर्स की, प्यून की, स्टूडेंट्स की और ऑफिस स्टाफ आल्सो। ठीक है, तो इन सब की हमें जरूरत होगी एक अच्छा स्कूल को चलाने के लिए अच्छे से। नेक्स्ट है टू रन रेस्टोरेंट, अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं तो किस चीज जरूरत होगी आपको, नीड मतलब जरूरत, आवश्यकता। ठीक है, तो एक मैनेजर चाहिए होगा आपको, कुक्स चाहिए होंगे खाना पकाने के लिए, वेटर्स चाहिए होंगे जो कि ऑर्डर लेकर आए, ठीक है, और कस्टमर चाहिए होंगे, ठीक है, जो कि आपके रेस्टोरेंट में आए। ठीक है, तो आपको इन सब की जरूरत होगी। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेट ऑफ रैमिंग वर्ड, आपको ये रैमिंग वर्ड ब्लैक से दिए हुए थे, ठीक है, और एक आपके लिए डन किया गया है, टीम का बीन बताया गया है, टीम का बीन, और बाकी के आपको डन करने थे जो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, प्लस का बस, ठीक है, रैमिंग में आएगा टीम बीम, आप रैमिंग पढ़ोगे, टीम बीम प्लस बस, डन गन, हुप लूप, सूट रूट, गोल सॉल, गोल सॉल, जॉय ट्वाय। ठीक है, ऐसे करके आपको राइमिंग में इनको पढ़ के लर्न करना है और इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटी सी पोयम आपके लिए और दी गई है, यहाँ पे उसको देख लेते हैं, फॉर वॉन्ट ऑफ द नेल, ठीक है, नेल किसको बोलते हैं, नाखून को। ठीक है, ये आप इसको पढ़ के देख लेना, छोटी सी है, फॉर वॉन्ट ऑफ द नेल द शू वॉन्ट लॉस्ट, ठीक है, फिर फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट ऑफ द हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट, राइडर जानते हो ना किसको कहते हैं, जो सवारी करने वाले को, है ना, हॉर्स बोलते हैं घोड़े को, ये घोड़ा है ना और ये सवारी करने वाला है, वॉन्ट मतलब चाहना। ठीक है, फॉर वॉन्ट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट, फॉर Want of a battle, the kingdom was lost, and then all for the want of the horseshoe nail. Horseshoe nail, ये दिख रही है ना पिक्चर, ये horseshoe का nail होता है, ऐसे दिख रही ना इस तरह से। ठीक है, छोटी सी है, इसको देख लेना आप। अब आपको इसमें क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, ये ब्लैक से आपके आंसर दिए हुए थे, आपको क्या करना था, क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बनाना था, ये देखा, नाउ फॉर्म क्वेश्चन फॉर द आंसर, आंसर तो आपको दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन बनाना है गिवन इन द
स्पीच बबल, ये स्पीच बबल होते हैं, ये ऐसे बनाते हैं ना, ये जो डिजाइन बन रहा है ना डिजाइन, ये इसी को बोलते हैं स्पीच बबल। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो आपको दिया हुआ था द शूज वॉज लॉस्ट, जो शू था वो खो गया था। ठीक है, लॉस्ट मतलब खोना, शू मतलब जूता, शूज खो गया था बिकॉज, क्योंकि ऑफ द नेल। ठीक है, नेल कहते हैं नाखून को, क्योंकि नाखून के कारण शूज लॉस हो गया। इसका आप क्वेश्चन क्या बना सकते हो, व्हाई द शू लॉस्ट, शू जो है क्यों खोया था। ठीक है, ऊपर दी थी ना ये वाली लाइन। फिर इसमें आपको क्या था, किंगडम वॉज लॉस्ट, किंगडम खो गया था, किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फाउंड, फाउंड कहते हैं फाइट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, लड़ाई करना, बैटल ने लड़ाई नहीं की तो। ठीक है, व्हाई वॉज द किंगडम लॉस्ट, किंगडम क्यों खोया था। ऐसी नेक्स्ट है, द बैटल वॉज लॉस्ट, बैटल खो गया था, लॉस्ट हो गया था बिकॉज देयर वर नो राइडर, क्योंकि राइडर ही नहीं था, कोई सवारी करने वाला नहीं था। तो आपको क्या क्वेश्चन क्या बनाना है आपको, व्हाई वॉज द बैटल लॉस्ट, बैटल जो है क्यों खो गया था। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना इसको। नेक्स्ट है आपके लिए, आपको थ्री और क्वेश्चन बनाने हैं जो आप ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नाउ मेक थ्री मोर क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर द पोयम टीम वर्क। अब ये टीम वर्क वाली जो पोयम थी, ये ध्यान रखना आपको टीम वर्क की पोयम में जो दिया था उसके से आपको तीन आंसर बनाने हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में देखते हैं क्या है, लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर नीचे आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को आपको देखना है एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आंसर देने हैं इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में। ठीक है, यूजिंग द वर्ड क्लू गिव इन द बॉक्स, आपको कुछ क्लू दिए हैं, कुछ वर्ड दिए हुए हैं बॉक्स में, चलिए देखते हैं क्या क्या वर्ड दिए हैं आपको बॉक्स में। और पहले तो आप ये पिक्चर देख लो, पिक्चर में आपको बता दूं, ये देखो लाइट जो सही कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीशियन, ये लाइट बना रहे हैं ना, इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, और ये क्या बोलेंगे इनको, ये पेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, पेंटर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पेंट कर रहे हैं तो क्या बन जाएंगे, ये पेंटर। ठीक है, ये क्या काम कर रहे हैं, दरवाजा बना रहे हैं, तो इनको क्या बोलोगे आप, कारपेंटर। ठीक है, लकड़ी का काम कर रहे हैं, इन्होंने लेडर पकड़ रखी है, इससे सीढ़ी को क्या बोलते हैं, लेडर, ये सीढ़ी जो है ना इन्होंने पकड़ी हुई है, इसमें जो ये इलेक्ट्रीशियन जो सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं, सीढ़ी को क्या बोलते हैं, लेडर बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सीढ़ी पकड़ रखी है जिन्होंने, इनको क्या बोलेंगे हम, ये लेबर। ठीक है, और ये जो ईंटें लगा रहे हैं ना, घर बना रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, मैसन। ठीक है, इनको मैसन बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या क्लू दिए गए हैं, तो ये आपने समझ लिए। अब हमें क्लू दिए गए हैं प्लम्बर, पेंटर। ठीक है, पेंटर जो पेंटिंग करने वाले होते हैं, मैसन जो ईंटें लगा रहे थे ना, मैसन किसको, जो दीवार बना रहे थे, घर बना रहे थे, तो मैसन इनको बोलेंगे, जो कि ये है ना, ये देखो ये ईंटें लगा रहे हैं ना, ये दीवार बना रहे हैं, इनको बोलेंगे मैसन। ठीक है, इनका नाम है मैसन। ठीक है, इनका नाम क्या है, मैसन है, तो ये जो दीवार बना रहे हैं, तो हमें मैसन दिया कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन आपको पता है जो बिजली का काम करते हैं, लेबर। ठीक है, जो वर्क करने वाले होते हैं, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, गार्डनर कौन होते हैं, जो कि फूलों की गार्डन की देखभाल करने वाले माली होते हैं ना, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो इनसे आपको अब क्या करना है, कुछ सेंटेंस बनाने हैं। चलिए देखते हैं, व्हाई इज लेइंग द ब्रिक्स। ठीक है, हु इज लेइंग द ब्रिक्स, ब्रिक्स किसने ले रखी थी, ब्रिक्स कौन लगा रहा था, है ना, तो द मैसन इज लेइंग द ब्रिक्स, जो मैसन थे, जो मैसन है ना, वो दीवार पे ब्रिक्स लगा रहे थे ना, हमने देखा था ब्रिक्स किसको बोलते हैं, ईंटों को, तो वो ब्रिक्स लगा रहे थे ना, दीवार बना रहे थे, तो कौन बना रहे थे, ये मैसन थे, जो कि दीवार में ईंट लगा रहे थे, जो कि दीवार बना रहे थे। ठीक है, हु इज होल्डिंग द लेडर, लेडर किसने पकड़ा था, अभी हमने देखा था ना ऊपर सीढ़ी किसने पकड़ रखा था, तो द लेबर इज होल्डिंग द लेडर, जो लेबर था उन्होंने होल्ड कर रखा था, होल्ड मतलब पकड़ रखा था लेडर को, सीढ़ी को। हु इज द मैन ऑन द लेडर, लेडर के ऊपर कौन चढ़ा हुआ था, लेडर के ऊपर इलेक्ट्रीशियन चढ़ा था ना, लाइट सही कर रहे थे, तो एन इलेक्ट्रीशियन इज ऑन द लेडर, लेडर पर सीढ़ी पर इलेक्ट्रीशियन चढ़े हुए थे। हु इज मेकिंग अ डोर, डोर कौन बना रहा था, तो कारपेंटर थे ना, जो दरवाजा बना रहे थे, तो द कारपेंटर इज मेकिंग द डोर, जो कारपेंटर थे वो दरवाजा बना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है,
Who is painting the ball? The ball कहते हैं दीवार्स को, ठीक है, दीवार को. दीवार पे पेंटिंग कौन कर रहा था, कलर कौन कर रहा था, तो the painter is painting the wall. जो पेंटर था वो पेंटिंग कर रहे थे बॉल पे, ठीक है, दीवार पे. तो ऐसे करके आप इन सेंटेंस को नोट डाउन कर लेना, अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और एक दो बार लिख कर याद करोगे तो आपको फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, नाउ मेकअप अ स्टोरी. अब आपको एक स्टोरी बनानी है अबाउट द पिक्चर, ठीक है, पिक्चर के बारे में. गिव नेम टू द पीपल, राइट स्टोरी शोइंग द इम्पोर्टेंट टीम वर्क. अब आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसमें आपको कुछ लोगों के नाम लिखने हैं और आपको टीम वर्क जिसमें शो करना है कि जो वर्क जो है वो टीम में हो रहा हो. ऊपर हमने पिक्चर देखी थी ना, इसी की मिलती जुलती आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं स्टोरी. चलिए एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए लिखी है मैंने, आप चेंज भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. आपके आइडिया के लिए मैंने लिख दी है छोटी सी स्टोरी. माई ग्रांड फादर, मेरे दादाजी, वॉज गोइंग टू बिल्ड अ हाउस. मेरे जो ग्रांड फादर है, मेरे दादाजी हैं हमारे, वो एक घर बनवाने जा रहे हैं, ठीक है. बिल्ड मतलब बनवाना, हाउस मतलब घर, गोइंग टू मतलब वो एक घर बनवाने जा रहे थे. आई वंडर्ड, मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ. आई वंडर्ड हाउ द हाउस वुड बी मेड, घर कैसे बनता है, घर कैसे बनेगा. माई ग्रांड मदर, मेरी जो दादी थी, मेरी दादी माँ थी, माई ग्रांड मदर टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, टोल्ड मतलब बताना, दैट इट वॉज टीम वर्क, कि ये टीम वर्क होता है. घर को बनाने का काम क्या है, टीम वर्क है, क्योंकि इसे एक इंसान नहीं बना सकता, ठीक है. तो ये क्या हो गया, टीम वर्क हो गया. अब इसमें कौन कौन चाहिए, ही आस्क्ड कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत होगी जिसका नाम मुकेश है, टू बिल्ड द हाउस, घर बनाने के लिए, ठीक है. मुकेश हैड अ टीम ऑफ वर्कर, मुकेश अपने साथ वर्कर की काम करने वालों के समूह को, ग्रुप को, टीम को लेकर आया. हिज मैसन लाल चंद, उसका जो मैसन था, जो घर बनाने वाला था, उसका नाम क्या था, लाल चंद. एंड अ फ्यू लेबर्स, और वो कुछ अपने साथ मजदूर भी लेकर आए, लेबर लेकर आए. स्टार्ट टू बिल्ड वॉल, उन्होंने दीवार को बनाना शुरू किया. एंड प्लम्बर मैन लेड वाटर पाइप, और जो प्लम्बर थे उन्होंने, प्लम्बर का क्या काम होता है, जो वाटर का, प्लम्बर को जो आए थे उन्होंने वाटर पाइप लगाया, पानी पानी का इंतजाम किया, ठीक है. वाटर पाइप उन्होंने लगाया. और भाटिया इलेक्ट्रीशियन, जो भाटिया हैं वो इलेक्ट्रीशियन थे. डिड ऑल द इलेक्ट्रिक वर्क, उन्होंने सारे इलेक्ट्रिक के काम किए. राम द कारपेंटर, राम जो थे वो कारपेंटर थे. राम फिटेड द डोर एंड विंडो, राम ने डोर दरवाजे और खिड़कियां लगा दी. द पेंटर डिड द वंडरफुल वर्क, जो पेंटर थे उन्होंने बहुत अच्छा कलर किया, बहुत वंडरफुल वर्क किया उन्होंने. आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. हाउ विद द टीम वर्क, कि ये टीम वर्क कैसे होता है. द कॉन्ट्रैक्टर फिनिश्ड ऑल द वर्क इन शॉर्ट टाइम, और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने सारा काम घर का बहुत ही थोड़े समय में फिनिश करवा दिया, कंप्लीट करवा दिया, ठीक है. तो ऐसे करके आप कोई भी स्टोरी बेटर लिख सकते हैं. मैंने छोटी स्टोरी आपके लिए बनाई है, तो आप इसे देख लेना. और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स टॉक. लेट्स टॉक में आपको क्या क्या करना है, आपको यहाँ पे थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें, थिंग्स किसको बोलते हैं, चीजें, आई लाइक डूइंग अलोन, जिनको कि हम अकेले करना पसंद करते हैं. अलोन मतलब अकेले, डूइंग मतलब करना, ठीक है. डूइंग का मतलब क्या होता है, करना, और अलोन मतलब अकेले. और थिंग्स आई लाइक गोइंग इन अ ग्रुप, और कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें ग्रुप में, टीम में करना पसंद हो. हम टीम में करते हों, ग्रुप में करते हों, ठीक है. तो हम अक्सर देखते हैं अकेले आप क्या क्या कर सकते हैं. रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ते हैं ना अकेले, कोई डिस्टर्ब करेगा तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे. तो बुक तो पढ़ेंगे तो आप अकेले ही पढ़ेंगे, ठीक है. तो रीडिंग अ बुक,
अलोन ही पढ़ेंगे. गोइंग होमवर्क, डूइंग होमवर्क, डूइंग मतलब करना, डू मतलब करना होता है, ठीक है. होमवर्क मतलब जो स्कूल का वर्क है. आप होमवर्क अपना अकेले ही करते हैं, राइटिंग आप पोयम, आप पोयम भी अकेले राइट करते हैं. और आप ग्रुप में क्या क्या काम करेंगे, प्लेइंग गेम, आप गेम खेल सकते हैं ग्रुप में. गोइंग फॉर पिकनिक, आप घूमने के लिए ग्रुप में जा सकते हैं. और गोइंग फॉर अ स्विम, और आप तैरने के लिए ग्रुप में जा सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आप फिल कर लेना कि आप अकेले क्या क्या काम कर सकते हैं और आप ग्रुप में क्या क्या काम कर सकते हैं. आप दूसरे भी कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है. नेक्स्ट है इन अवर फैमिली, हमारी फैमिली में व्हाट एक्टिविटी आर डन इंडिविजुअल, हमारे परिवार में इंडिविजुअल मतलब अकेले के लिए कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, एंड एज अ ग्रुप और ग्रुप में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट है माई मदर डिसाइडेड, मेरी मम्मा ने डिसाइड किया, फैसला किया. क्या डिसाइड किया उन्होंने, ये ब्लैंक में आपको फिल करना है बेटा, ये मैंने ब्लू से फिल किया हुआ है, आप अपने में कर लेना, ठीक है. तो मम्मा ने क्या डिसाइड किया, व्हाट डिश टू कुक, कि आज कौन सी डिश बनानी है, कौन सा खाना बनाना है, ठीक है. माई फादर डिसाइड, मेरे पापा ने डिसाइड किया, वेयर टू इन्वेस्ट हिज मनी, कि वो अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट मतलब लगाएंगे, ठीक है, कहाँ वो अपना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है. आई डिसाइड, मैंने डिसाइड किया, व्हाट टू स्टडी, हमें क्या पढ़ाई करनी है. और नेक्स्ट है वी डिसाइड, हमने डिसाइड किया, वेयर वी शुड गो फॉर हॉलीडे, हॉलीडे में छुट्टियों में हमें कहाँ जाना है, ठीक है. तो वी का मतलब हमने, मतलब सबने मिलकर डिसाइड किया, आई मतलब इंडिविजुअल, हमने डिसाइड किया, सिर्फ मैंने डिसाइड किया, और ये सब इंडिविजुअल है, लेकिन ग्रुप में कौन है, हमने, हमने मतलब पूरे परिवार ने मिलकर जो चीज डिसाइड की है वहां लगाएंगे वी, ठीक है, हमने. तो ये आपका, ये इसको आप फिल कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है. और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछे, ये पजल है आपका, इसको आप सॉल्व कर लेना, गेम की तरह होता है ये, ठीक है. तो आपको कर ही लोगे, आप आता होगा आपको. नेक्स्ट है आपके लिए लेट्स राइट अ पोयम, यहाँ पे आपको एक पोयम लिखनी है. पोयम में क्या लिखना है अब आप देख लीजिए, कुछ सेंटेंस बनाने हैं आपको, कुछ तो बने हुए हैं ऑलरेडी और कुछ आपको बनाने हैं, जो ब्लैंक दिया हुआ था ना, ये जगह आपको दी थी ना, यहाँ आपको बनाने हैं और कुछ बने हुए आपको दिए हैं पहले से ही, जैसे बने दिए हैं उसी हिसाब से आपको कुछ और बने डिजाइन करने हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं, मैंने ये ब्लू से आपके लिए कर दिए हैं. फर्स्ट है आई हैव अ काइट, मेरे पास एक काइट है. बट नीड अ फ्रेंड, लेकिन मुझे एक दोस्त की जरूरत है, टू फ्लाई इट विद, जिसके साथ मैं इसे उड़ा सकूँ. आई नो अ सॉन्ग, मुझे एक सॉन्ग, मैं एक सॉन्ग जानता हूँ, या मुझे एक सॉन्ग गाना आता है. बट लेकिन नीड समवन टू हियर इट, लेकिन हमें किसी की जरूरत है जो इसे सुन सके, ठीक है. नीड मतलब आवश्यकता, समवन मतलब किसी की. आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है. बट नीड समवन टू कैच इट, मेरे पास एक बॉल है लेकिन मुझे किसी की जरूरत है जो उसे कैच कर सके, जो उसे पकड़ सके, ठीक है. फिर अब आपको यहाँ फोर सेंटेंस और बनाने थे तो मैंने आपके लिए बनाए हैं. आई हैव नो अ जोक, मुझे एक जोक आता है. बट नीड समवन टू शेयर इट विद, लेकिन हमें किसी की जरूरत है जिसे मैं इसके साथ शेयर कर सकूं. आई हैव अ टेलीफोन, मेरे पास टेलीफोन है. बट नीड समवन टू टॉक टू, और हमें लेकिन किसी की जरूरत है जिसके साथ मैं बात कर सकूं. आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक अच्छा सा सपना है, कोई ख्वाब है. बट नीड समवन टू जॉय इट, लेकिन हमें किसी जरूरत है जिसके साथ मैं इसे जॉय कर सकूं, इसकी खुशी मना सकूं, ठीक है. जॉय मतलब आई हैव लॉस्ट माई वे, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ. सो आई नीड, इसलिए मुझे जरूरत है समवन हेल्प, किसी की मदद की जरूरत है, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए हमें किसी की मदद की जरूरत है, ठीक है. ऐसे आप बना सकते हैं. नेक्स्ट है आपका, ये आपको फन टाइम में कुछ वर्ड दिए हैं, स्किप, सॉन्ग, डांस, ठीक है. मेक ग्रुप, आपको ये ग्रुप में करने हैं, मेक ग्रुप बना लीजिए. मेक ग्रुप्स ऑफ 10 प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी है जो आपको क्लास में करनी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. से अलाउड, अब देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, से अलाउड में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आपको
फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब कुछ है, आप शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे ऐसे आपने देखा होगा ना, कई बार आप देखते हो कैसे लिखा होता है, वी विल को कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। वी विल को शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, वी और ये अपोस्ट्रॉफी लगा के डबल एल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका मतलब वी विल होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। ऐसे कैन नॉट को कांट कर देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। वी हैव को वी हैव शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यू हैव को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इस तरह से। देयर इज को देयर्स कर देते हैं शॉर्ट में। व्हाट हैव को इस तरह से कर देते हैं, व्हाट लिख के अपोस्ट्रॉफी बना के वी करके शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है। वी आर को इस तरह से वी आर लिखेंगे शॉर्ट में। दे आर ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट और फुल फॉर्म आप देख लेना, कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना, इनको थोड़ा दो तीन बार देखोगे ना, तो क्योंकि आपके चैप्टर में बार बार शॉर्ट फॉर्म आते हैं, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म दिए हैं जिनके आपको शॉर्ट फॉर्म लिखने थे और यहाँ पे इनके फुल फॉर्म लिखने थे। तो हैज नॉट को हैजंट शॉर्ट में लिखेंगे, डू नॉट को डोंट शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। हैव नॉट को हैवंट शॉर्ट में लिखेंगे, आर नॉट को आरंट शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखने हैं, तो यहाँ पे वेरंट दिया है तो वर नॉट कर देंगे, वाजेंट दिया है तो वाज नॉट फुल कर देंगे, सीविल तो सीविल को सीविल ऐसे लिखेंगे फुल फॉर्म में, या हुज को हु इज, ठीक है, हुज को हु इज कर देंगे। ये आपके ये वाले आपके फुल फॉर्म है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट फॉर्म दिए हुए थे, ये फुल फॉर्म है आपके हैं, ये आपके शॉर्ट फॉर्म थे, ठीक है। और यहाँ पे फुल फॉर्म आपको दिए थे, यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म बनाने थे, तो ये मैंने आपके लिए बना दिए हैं, इनको आप देख लेना, ठीक है। इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि चैप्टर में बार बार आते हैं, तो आपको कन्फ्यूज ना होना इसके लिए, क्योंकि आप दो तीन बार इसको देख लोगे ना अच्छे से, एक बार लिख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसका आपके सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।